परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लिखे पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुख्य सचिव को आरटीओ के चेक पोस्ट में हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए, जिससे राज्य सरकार एवं प्रदेश की बदनामी, राजस्व का नुकसान, सड़क मार्ग से ट्रक चालक मालिक और रोजगार खत्म हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है आरटीओ चेक पोस्ट। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल और भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के मुख्य अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने इस तरह के भ्रष्टाचार का बहुत बार मौखिक रूप से एवं लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी आरटीओ चेक पोस्ट प्रभारी अधिकारी, परिवहन आयुक्त, मुख्य सचिव और परिवहन मंत्री तक, इसके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर मौखिक रूप से एवं लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। 16 जुलाई 2022 को जेपी शर्मा द्वारा महामंत्री बीजेपी पूर्व नागपुर और बीआरपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनरल सिंह ने मंत्री गडकरी से उनके नागपुर कार्यालय में मुलाकात की और परिवहन माफिया की सभी जानकारी से अवगत कराया। उसके बाद गडकरी के आदेश से लेटर लिखा गया। लेटर नंबर 4017 16 जुलाई 2022 मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री को ज्वाइंट एक्शन कमेटी भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा एवं ज्वाइंट एक्शन कमेटी गडकरी का तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करती है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, सभी प्रकार के आरटीओ चेक पोस्ट प्रभारी, निरीक्षक अधिकारी से अपील करते हैं कि आप राज्य एवं सरकार को बदनामी से बचाएं और केंद्रीय परिवहन मंत्री के लेटर का सम्मान करें, जिससे प्रदेश के साथ देश की गरिमा बनी रहे। मेरी मांग कुछ नहीं है, मेरी मांग पहले तो जितने भी अभी देश में नेता आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं उसके अगेंस्ट मेरे को कहना है, और जो अपोजिशन पार्टी में है वो दूसरे के रेट करती है। कम से कम मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना घर भी चेक करें कि उनके जो ऑफिसर हैं वो तो किसी पब्लिक से गलत नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पब्लिक त्राही त्राही कर रही है, उस त्राही त्राही को। और मैं लॉजिस्टिक लाइन से जुड़ा हूँ, मैं रिंकू कमर्शियल जो ट्रैक्टर किसानों के लिए खींचती है उसका MD हूँ, और एक जैक ड्राइवर भाइयों के लिए और किसान भाइयों के लिए जैक कंपनी, जैक सब लोगों को इकट्ठा करने की कंपनी बनाई है, जिससे कि मैं उनका भला चाहता हूं। तो इस युग में अभी कोई ड्राइवर नया बनना नहीं चाहता, तो ये इसमें किसका फॉल्ट है, ये सरकार को ढूंढना चाहिए। अगर ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बंद हो गई और हर चेक पोस्ट पे लूट मचाई जाती है, और जो आपके अपोजिशन स्टेट है वहां चेक टोल पे बेहिसाब लूट हो रही है, इस लूट के लिए सरकार की आंखें कब खुलेंगी, ये मैं मीडिया के थ्रू सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। नितिन गडकरी साहब के नागपुर कार्यालय और या निजी निवासी बोला जाए तो कोई फर्क नहीं है। 16 जुलाई 2022 को उन्होंने एक लेटर जारी किए थे, जेपी शर्मा जी जो भाजपा पूर्व नागपुर के महामंत्री जी हैं, इनको हम लोगों ने बहुत शिकायत दी। जेपी शर्मा जी मेरे साथ खवासा बॉर्डर के धरने में गए, सभी जगह गए, और उन्हें दिल्ली तक और नागपुर से दिल्ली तक पूरी शिकायतें परिवहन माफिया के संदर्भ में नितिन साहब को हमने दिया। गडकरी साहब ने इसके पहले भी एक दो बार लेटर बॉर्डर बंद करने के लिए दिए थे, लेकिन इसमें कोई प्रभाव असर नहीं पड़ा परिवहन माफियाओं के खिलाफ। लेकिन अभी ये जो लेटर हाल में निकाला गया है, अब मुख्यमंत्री जी से स्वयं उन्होंने संज्ञान लिए है कि मुख्यमंत्री जी आप स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें, ये परिवहन माफिया इतना गंदा माफिया हो चुका है जो सड़क सुरक्षा को एकदम निगलात कर रहा है, कितने लोगों की जाने जा रही हैं, रोड सेफ्टी नहीं हो रही है, लोगों को रोजगार छीना जा रहा है, सड़क मार्ग से काम करना लोगों को मुश्किल हो गया है। अभी हाल में कल की बात है, 22 तारीख में प्रहलाद अग्रवाल की गाड़ी, रिंकू कजे कमर्शियल की गाड़ी, खाली गाड़ी लखनऊ से भोपाल जा रही थी, आरटीओ चेक पोस्ट मालथोन में रोकी गई, 1000 का रिश्वत मांगा गया, संपर्क करने पे आरटीओ लोगों ने कुछ संपर्क नहीं साधा। हमने अभी नवनियुक्त जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मिस्टर संजय कुमार झा जी हैं उनसे संपर्क किया, मध्य प्रदेश कमिश्नर, उनको अवगत करा कि गाड़ियों को आग लगाने की धमकी दी जा रही है पैसा ना देने पर। कहीं ना कहीं सरकार बहुत गलत काम कर रही है। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।